फतेहाबाद में बदमाशों का आतंक किस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि निजी स्कूल की वैन पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने बिना वजह तलवार से हमला कर दिया और फरार हो गए। इस हमले में कुछ छात्रों को मामूली चोटें भी आई हैं। मामले की सूचना मिलने पर स्कूल मालिक ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी ने मौके पर जाकर केस दर्ज कर लिया और आगे की जाँच में जुट गयी। पूरा मामला मातूराम कॉलोनी का है, जहां से गुजर रहे वाहनों को बदमाश रोक रहे थे। इसी दौरान जब निजी स्कूल की वैन पहुंची तो युवकों ने उसे भी घेर लिया और जाते जाते ड्राइवर साइड पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वैन का शीशा भी चकनाचूर हो गया। दो बच्चों को तो वहाँ पे सर हमारी वैन फिर उसके बाद सर मतलब जैसे बच्चे उतरे तो वहाँ पर चार पांच लड़के खड़े थे, वो अब्यूज कर रहे थे वैन ड्राइवर को। तो भैया ने मुंह बाहर निकाल के बोला कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो उतने में सर हमारी वैन थोड़ी सी आगे चली और उन्होंने ना जोर से ना तलवार मारी भैया वाली साइड पे शीशे पे और फिर बच्चों वाली साइड पे। और उसके बाद सर हमारी वैन थोड़ी सी आगे गई, फिर मतलब वो थोड़ा पीछे भी आई हमारी वैन के। उसके बाद सर जो और वैन आ रही थी उन्हें भी वो डांट रहे थे, लेकिन सिर्फ हमारी वैन पे सर उन्होंने डंडे से और मतलब तलवार से ना मारा। किसी को चोट तो नहीं आई बच्चे? सर दो बच्चों को लगी है हल्की। मतलब पहले कोई वैन जा रही थी वो उनको भी परेशान कर रहे थे, कह रहे थे चले जाओ चले जाओ। आगे मतलब थोड़ी पतली गली थी तो भैया ने वहाँ रोक लिया क्योंकि वैन वहाँ से मुड़ नहीं सकती थी, इसलिए फिर वहाँ पर हमारी वैन वहाँ रुकी तो उन्होंने कहा चले जाओ चले जाओ। भैया ने कहा आपको हमने कुछ नहीं कहा, हम चले जाएंगे। जब जाने लगे तो उन्होंने फिर मतलब रोड थी उनके पास और तलवारें थी, उनसे आगे पहले भैया वाला शीशा थोड़ा फिर मेरी साइड वाला। पुलिस ने मौके पर जाकर वैन में सवार छात्रों और टीचर के बयान दर्ज कर लिए हैं और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उधर इस घटना के बाद से निजी स्कूल संचालकों में रोष है। किस जगह घटना है? कौन सी जगह? पट्ठा कॉलोनी से निकले थे स्वामी नगर की तरफ। पट्ठा कॉलोनी से स्वामी नगर? बच्चे भी थे गाड़ी में? बच्चे थे। बच्चे थे 17-18 बच्चे। आपसे पहले कोई वैन भी रोकने का प्रयास किया? यस सर, अभी रोकी थी हमारे से पहले एक वैन, छोटी वैन गई थी उसको रोके, उसको धमकाया, उसको निकाल दिया। फिर हमारे वाली को रोका, भैया ने बोला आपको कुछ कहा है? मैंने उन्होंने इतना ही भैया कहते उन्होंने दोनों शीशे तोड़ दिए। दूसरी बहन अपने स्कूल की थी? नहीं, किसी और स्कूल का नाम तो याद नहीं। संख्या में थी वो। बहरहाल स्कूल संचालकों ने पुलिस से अपील की है कि इस मामले को प्रमुखता से लें, क्योंकि ये मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले भी इसी तरह से एक वैन पर हमला हुआ था। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।